आज हम जा रहे हैं बॉर्डर पे, जो कि इंडिया पाक का बॉर्डर है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं इंडिया पाक बॉर्डर। तो यहाँ तक हम जो है गाड़ी लेके आए थे, और यहाँ से आगे गाड़ी के लिए रोड नहीं है, यहाँ से जो है खाली 4x4 गाड़ी ही जा सकती है आगे। जो आपको सीमेंटेड एरिया नज़र आ रहा है आपको, वो इंडियन आर्मी का जो है हेलपेड है एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो थोड़ा आगे जाके इंडियन आर्मी के बंकर्स भी है, तो हम करेंगे। तो नीचे अगर आप देख सकते हो, ये हमारा विलेज है हुंदुरमन विलेज। यहाँ पे जो है इंडियन सिटीजन्स रहते हैं। इस विलेज का नाम है हुंदुरमन। अच्छा, 1970 से पहले ये जो विलेज, ये सब जो है पाकिस्तान का पार्ट था, अब जो है ये इंडिया का पार्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कारगिल में पड़ता है, यूटी लद्दाख के। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो नदी बह रही है यहाँ से, ये सुरू रिवर है। ये जो है वहाँ पे एक जो है रिलीजियस स्कॉलर का एक श्राइन है वहाँ पे, जो कि जिसके रिलेटिव्स यहाँ भी रहते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो, वो पाकिस्तान में पड़ता है, अगर आप कैमरे में देख सकते हो तो। बाकी ये जो है हमारा सब इंडिया का पार्ट है, और आर्मी ऑक्यूपाइड ये हमारा पार्ट है, पूरा आर्मी के अंदर है ये सारा। और अगर आप राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं, वहाँ पे बंकर्स हैं, जो कि वहाँ पे आर्मी के बंकर्स हैं, आर्मी के जीप भी वहाँ देख सकते हैं आप, इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं ये सारे। और वहाँ पे जो ये जिप्सी भी हैं, नीचे आप जिप्सी देख रहे हैं, जिप्सी वो जो है आर्मी के जिप्सी हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो पार्ट था पहले पाकिस्तान के अंदर था 1970 से पहले, बाद में ये जो है इंडिया के जो है पार्ट में आया है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। फेलो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, बहुत हार्श कंडीशन है, मगर फिर भी जो है मींस कम है, फिर भी बहुत एक फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं यहाँ पे, नेचर से बहुत जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे।